इंडियन सिनेमा के अंदर डायरेक्टर्स में जो सबसे ऊपर हाल फिलहाल नाम आता है वो है एस एस राजामौली का नाम। हाल ही के दौरान जब KGF चैप्टर 2 रिलीज हुई तो एस एस राजामौली KGF को भी प्रमोट करते हुए नजर आए थे अपनी RRR के साथ में। वहीं आपने नोटिस किया होगा, अगर आपने KGF चैप्टर 2 देख ली है और KGF चैप्टर 1 देख ली है, तो दोनों ही फिल्मों के अंदर जो स्पेशल थैंक्स है वो एस एस राजामौली को दिया गया था। स्पेशल थैंक्स की वजह बहुत ज़्यादा बड़ी भी थी और साथ ही साथ इंडियन सिनेमा के लिए गर्व करने वाली बात भी है। स्पेशल थैंक्स इसलिए दिया गया था क्योंकि एस एस राजामौली इस फिल्म को भी साथ के साथ प्रमोट करते हुए भी नजर आए थे और हर वो ज़रूरत जो KGF को पड़ी उसके लिए उन्होंने उनकी हेल्प भी की। वहीं एस एस राजामौली का रिएक्शन अब KGF चैप्टर 2 पर आ चुका है। आपको बता दें कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, साथ ही साथ जो कि वीडियो के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसके दौरान उन्होंने ये खुलासा किया और बताया कि उन्हें KGF चैप्टर 2 कितनी अच्छी लगी है। इंडियन सिनेमा का एक स्तर है जो कि ऊपर बढ़ता हुआ जा रहा है, ये बात वो कहते हुए नजर आए। वहीं बाहुबली के बाद से ही ऐसा लगने लगा था कि एक के बाद एक इस तरीके की एक्शन फिल्में आएंगी जो कि इंडियन सिनेमा को बदल के रख देंगी, और ऐसा हो भी रहा है। हालांकि बॉलीवुड से एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा हैं, लेकिन बॉलीवुड ऐसा नहीं कर रहा, बल्कि पूरे इंडियन सिनेमा, अगर हम साउथ की पर्टिकुलर बात करें तो यहाँ से ऐसी ऐसी फिल्में आ रही है जो कि हर किसी को सकते में कर देती है, एक बार के लिए सरप्राइज कर देती है। बहरहाल ये फिल्में बहुत ही शानदार बना रहे हैं। अगर इसी तरीके के काम साउथ इंडस्ट्री और इंडियन सिनेमा करता रहा तो फिर आने वाले समय के अंदर इंडियन सिनेमा सबसे ऊपर होगा। बहरहाल एस एस राजामौली के वर्ड्स की वजह से शायद KGF चैप्टर 2 और भी ऊपर और भी निखर के सामने आई। आप हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं कि आपको KGF चैप्टर 2 कैसी लगी है। और भी खबरों के लिए सब्सक्राइब कर दे चैनल।